वेलकम नमस्कार वहां दोस्तों, मेरा नाम है जॉश शर्मा और आज हम करने वाले हैं PS5 का रिव्यू। मतलब कि मैं यही कहता अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर रह रहा होता, लेकिन इंडिया जो है वो बदकिस्मती से थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और इसके अंदर PS5 के कस्टमर्स की इतनी ज्यादा डिमांड जो है वो नहीं है जितनी US, यूरोप और जापान के अंदर है। इसलिए सोनी ने जो है वो इंडिया को प्रायोरिटी जो है वो नहीं बना रखा है अपने PS5 की सेल्स का और इस वजह से जो है वो PS5 लगातार करके जो है वो डिले होता जा रहा है इंडिया के अंदर। नवंबर 12 को जो है वो PS5 ऑफिशियली सेल के ऊपर जो है वो जा चुका था और नवंबर 19 से जो है वो ग्लोबली जो है वो रिलीज होने वाला था, लेकिन इंडिया का नाम जो है वो सोनी ने कहीं से लेके कहीं तक जो है वो मेंशन नहीं करा क्योंकि इंडिया की फैन बेस जो है वो थोड़ी सी कमजोर है। और अब जो है वो सोनी लगातार ऑफिशियल रिलीज डेटों को जो है वो लगातार जो है वो डिले करता जा रहा है। अभी जो है वो दिसंबर तक की वो बोल रहे थे, उसके बाद अर्ली जनवरी 2021 के अंदर, और अब वो वाली डेट भी जो है वो सोनी ने लगातार लेवल्स के ऊपर जो है वो डिले कर दी है। और आज वाली वीडियो के अंदर पता लगाने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा एक दोस्त था जो कि US के अंदर से जो है मुझे बोल रहा था कि मैं तेरे लिए जो है वो PlayStation ले आता हूं, और फिर मैंने उसको बोला कि ओके तू ले आ मेरे लिए PlayStation क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो PlayStation कहीं से लेके कहीं तक जो है वो मिलने नहीं वाला, तो तू मेरे लिए US से PlayStation ले आ। और फिर वो मेरे लिए US से PlayStation लेकर आ गया और वो जो है वो PlayStation 4 Pro था। ये वाला मुक्का मारा मैंने उसे, ये वाला मुक्का। मतलब कि सोचने वाली बात है कि PS5 जो है वो वहां के लोगों को भी जो है वो बिल्कुल हैंड्स ऑन तरीके से नहीं मिल रहा है कि PS5 के स्टॉक जो है वो दुनिया भर के सारे सुपरमार्केट्स के अंदर जो है वो भरे हुए हैं, वहां पर भी जो है वो किल्लत है। और ये सब जो है वो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से हो रहा है। पार्ट्स वगैरह जो है वो AMD तक सप्लाई नहीं कर पा रहा है और इसकी वजह से PS जो है वो उसको अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर करके पूरे पूरे वर्ल्ड की डिमांड जो है वो नहीं भर पा रहा है। और इस पैंडेमिक की वजह से ही वाकई में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है होम एंटरटेनमेंट सिस्टम्स की, जैसे कि PlayStation होता ही है। गेम्स वगैरह जो है वो लगातार लोग अपने घर के अंदर खेलने लग गए हैं और इसकी वजह से डिमांड जो है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई। और इसी वजह से सोनी ने जो है वो बोल दिया है कि US की जो भी इंपोर्ट जो है इंडिया के अंदर अगर PS5 कोई लाता है तो फिर वो वारंटी के अंदर कवर नहीं होगा। और मैं जो हूँ वो PS4 ओनर हूँ और मुझे पता है कि ये वाली चीज जो है वो काफी ज्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि मेरा PS4 का रिमोट जो है वो 2 बार खराब हो चुका है और 2 बार फ्री में रिप्लेस होकर आया है उसकी वारंटी की वजह से। अगर ऐसा नहीं होता, वो वारंटी में नहीं होता, तो मेरे जो है वो 10,000 रुपए अभी तक ठुक चुके होते। तो वाकई में PS5 जो है उसका रिमोट जो है वो और भी ज्यादा महंगा होगा और उसका वारंटी में रहना जो है वो जरूरी है, जो कि आपको ऑफर नहीं कर रहा सोनी अगर आप US से इंडिया के अंदर PS5 लाते हो तो। उसके अलावा जो कंसोल्स आपको यूरोप और US के अंदर देखने को मिल भी रहे हैं उस पर भी सोनी जो है वो काफी ज्यादा लेवल्स के ऊपर जो है वो घाटा उठा रहा है। लगभग $170 का हर एक कंसोल के ऊपर सोनी को घाटा हो रहा है क्योंकि वो सही तरीके से उनको सप्लाई नहीं कर पा रहा, डिमांड जो है वो काफी ज्यादा है और सोनी के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसके अलावा जो है सोनी अपना हर एक पैंतरा आजमा रहा है PS5 की रिलीज के लिए और इंडिया के अंदर अगले साल की फरवरी तक जो है वो आ जाएगा, ऐसे मेरे गुप्त सोर्स कह रहे हैं। हाँ, PS5 जो है वो फरवरी 2021 तक आ जाएगा। फिर मैं अशोक गुप्त के ऊपर जो है वो विश्वास करता भी नहीं। तो यही था मेरा रिव्यू। अभी जो है अपन सिर्फ फोटोज देख के जो है PS5 का काम चला सकते हैं, हालांकि PS4 के ऊपर काफी शानदार वाला कलेक्शन जो है वो आ चुका है PS5 के गेम्स का, जैसे कि माइल्स मोरेलेस एडिशन और भी दुनिया भर के गेम्स, और PS Plus जो है वो काफी शानदार वाले गेम्स जो है वो ऑफर कर रहा है हर महीने के हिसाब से। और यही थी मेरी वीडियो PS5 की लॉन्च डेट के ऊपर। आया होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी भाइयों। प्रिज्म स्टेट साइनिंग ऑफ। जय हिंद। कौन नमस्कार वहां दोस्तों, मेरा नाम है जॉश शर्मा।